वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको टॉपिक में लेके आया हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियर्स का WRD में क्या काम होता है। WRD का मतलब है वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, मतलब जल संसाधन विभाग। तो इसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स का कहाँ काम रहता है, क्या काम रहता है। यदि आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपको तो समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पे कैनाल्स होती हैं, डैम्स होते हैं। लेकिन आप ये मत भूलिए कि इन कैनाल का जो हेड होता है, जहाँ इनका निकास होता है, उद्गम होता है, तो उस जगह पे गेट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं हेड रेगुलेटर। फिर यदि हम बात करें क्रॉस रेगुलेटर्स की तो वो भी वहाँ होते हैं। उसके अलावा डैम की यदि जब बात करें तो डैम के ऊपर भी गेट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े गेट्स होते हैं। उसके अलावा और हम नहर की यदि बात करें तो वहाँ पर मशीनरी होती है, जैसे हम लॉन्ग रीच एक्सकेवेटर की बात कर लें, डोजर, डंपर, ट्रक, ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं मैकेनिकल से रिलेटेड। तो इनका सबका मेंटेनेंस करना मैकेनिकल इंजीनियर का काम होता है। उसके लिए अलग से विंग है, बकायदा मैकेनिकल की अलग से पोस्ट होती हैं। ऐसा नहीं है कि उनको सिविल का काम दे दिया जाता है, नहीं, वो मैकेनिकल का ही काम करते हैं। तो जैसे अभी हम बात करें इंदिरा गांधी नहर परियोजना की, तो वहाँ पर बहुत सारी मशीनें हैं जो नहर की सफाई करने के काम आती हैं। तो उन मशीनों का रखरखाव, संचालन, ये सब मैकेनिकल इंजीनियर के ब्रांच के जो JENs, AEN और XEN और हायर पोस्ट हैं वो सब देखते हैं। अलग से उसका बजट होता है, अलग उसकी विंग है। सेम वैसे ही डैम के ऊपर होता है, वहाँ पर आप नया कोई डैम बन रहा है तो जो गेट्स वगैरह बन रहे हैं उन सब की निगरानी और मॉनिटरिंग का काम वो भी मैकेनिकल इंजीनियर्स का होता है। उसके अलावा जो पुराने जो डैम्स हैं तो उन पे गेट एक बहुत ही मतलब इमरजेंसी में काम आने वाली चीज़ है, और इमरजेंसी में यदि आपका गेट ऑपरेट नहीं हो पाए तो फिर कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, वहाँ पर बहुत बड़ी समस्या उससे खड़ी हो जाती है। तो उनका देख रेख, उनकी मेंटेनेंस, ऑपरेशन, इन सब के लिए वहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि आपके मन में जो यदि डाउट था तो क्लियर हो गया होगा कि मैकेनिकल इंजीनियर आखिर WRD में काम क्या करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, और ऐसे ही और वीडियोज आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। उसके लिए आप बने रहिए इस चैनल के साथ। नमस्कार।